पुनः स्वागत है आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी स्टेडियम में। गाइस, आज के जो वीडियोस है इसमें अपन लोग करेंगे होम साइंस ऑनर्स पेपर 3 से रिलेटेड कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके पार्ट 2 एग्ज़ाम में जो है पूछे जाने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि स्टडी स्टेडियम से रिलेटेड जितना भी वीडियोज़ है वो सभी आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गृह प्रबंधन के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। गाइस, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस था होम साइंस का पहले भी मैं करवा चुका हूं, ठीक है, और आज से जो है पेपर 3 का रेगुलर क्लास होगा, तो आप लोग जो है क्लास ज़रूर करेंगे और 15 क्वेश्चंस हम रेगुलर करेंगे। हम कम क्वेश्चंस इसलिए लाते हैं क्योंकि आप लोग जो है अभी से याद करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, गिरी प्रबंधन के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। गाइस, तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, नियोजन, समन्वय, उत्प्रेरण तथा नियंत्रण, ठीक है, ये सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिरी प्रबंधन वास्तविक रूप से निम्न में क्या है। गृह प्रबंधन जो है वास्तविक रूप से क्या है ये बताना है। तो किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पता रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है, कला और विज्ञान, ये दोनों जो है इसका सही जवाब रहेगा। गृह प्रबंधन वास्तविक रूप से क्या है भाई, कला भी है और विज्ञान भी है, याद रखना है। चलिए वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रबंध प्रक्रिया में सुधार हेतु निम्न में कौन से बाधक तत्व है। तो बताना है आप सभी को इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताएंगे सभी। चलिए, प्रबंध प्रक्रिया में सुधार हेतु निम्न में कौन से बाधक तत्व है, बताएंगे सभी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, परिवारों में प्रबंध प्रक्रिया की अज्ञानता, साधनों से अनभिज्ञ होना, लक्ष्य पर आधारित नहीं होना, ठीक है, ये तीनों जो है इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक सुगृहिणी के आवश्यक गुणों में नहीं आता है। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन है जो सुगृहिणी के आवश्यक गुणों में नहीं आता है, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वैभव, ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, वैभव, याद रखना है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, पारिवारिक व्यवस्था को नियमानुकूल बनाने में निम्न में से कौन सहयोग नहीं देता है, है ना, पारिवारिक व्यवस्था को नियमानुकूल बनाने में निम्न में से कौन सहयोग नहीं देता है। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट आंसर बताना है। चलिए यदि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आंसर के साथ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी को पता है कि मैं कमेंट के अनुसार ही वीडियोस बनाता हूँ, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, पारिवारिक व्यवस्था को नियमानुकूल बनाने में निम्न में से कौन सहयोग नहीं देता है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठभूमि, ठीक है, पृष्ठभूमि जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। चलिए वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्तरों का वर्गीकरण परम्परागत व परिवर्तनशील के रूप में किस आधार पर किया जाता है। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्तरों का वर्गीकरण परंपरागत व परिवर्तनशील के रूप में किस आधार पर किया जाता है। चलिए तो फटाफट आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मूल्यों के आधार पर, किस आधार पर भाई, मूल्यों के आधार पर, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब रहेगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयोजन के निम्न में से कौन कौन से मुख्य चरण है। आयोजन के निम्न में से कौन कौन से मुख्य चरण है भाई, बताना है, फटाफट आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए
तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। समस्या की पहचान करना, विभिन्न विकल्पों का अवलोकन करना, कार्य योजना तैयार करना, ये तीनों जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गृह व्यवस्था में निर्णयों की श्रृंखला में निम्न में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताना है आप सभी को इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। गृह व्यवस्था में निर्णयों की श्रृंखला में निम्न में से कौन है जिसका भूमिका जो है निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फटाफट आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डी जो है इसका सही जवाब रहेगा, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। याद रखेंगे तीनों जो है इसका राइट आंसर रहेगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वो कौन सा है, VVI क्वेश्चन है तो याद रखना है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, साधनों का संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, साधनों का संगठन। गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है भाई, साधनों का संगठन, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्णय प्रक्रिया की दो अवस्थाओं का वर्णन किस विद्वान ने किया है। निर्णय प्रक्रिया की दो अवस्थाओं का वर्णन किस विद्वान ने किया था ये बताना है। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मार्गन। किसने भाई, मार्गन जो है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे निर्णय प्रक्रिया की दो अवस्थाओं का वर्णन किस विद्वान ने किया है तो मार्गन आप बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफिस जाना किस प्रकार के कार्य के प्रारूप के अंतर्गत आता है। ऑफिस जाना किस प्रकार के कार्य के प्रारूप के अंतर्गत आता है गाइस, बताना है। तो फटाफट आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए ये इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा तो फटाफट आंसर बताएंगे आप। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसका सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इजी है, उम्मीद है कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है ना, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, निम्न में से कौन सा एक आकस्मिक कार्य का उदाहरण हो सकता है। निम्न में से कौन एक आकस्मिक जो अचानक कार्य होती है उसका उदाहरण हो सकता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो अचानक से कार्य होता है वो कौन सा कार्य है निम्न में से, ये बताना है। तो फटाफट आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अतिथि सत्कार करना। ठीक है, जो कि आकस्मिक कार्य का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्यतया थकान कितने प्रकार की होती है। सामान्यतया थकान जो होती है वो कितने प्रकार की होती है भाई, ये बताना है। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताएंगे थकान जो है कितने प्रकार के होती है। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, उपयुक्त दोनों होगा, दोनों प्रकार की, कौन कौन, शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक थकान। ठीक है, दोनों जो है इसका राइट आंसर आएगा। सामान्यतः जो है थकान कितने प्रकार की होती है तो आप क्या बोलेंगे, दो प्रकार की होती है, कौन कौन, शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक थकान। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए तो आज के लिए गाइस इतना ही। एक्चुअली क्या है कि 13 क्वेश्चंस मैं रोज़ करवाऊँगा, 13 to 15, जिससे आपको याद जो है आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।